हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक नई और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 प्लस बेस्ट अपकमिंग मोबाइल्स फोन लॉन्च इन सितंबर 2021। तो दोस्तों, 2021 के टॉप 10 से ज़्यादा मोबाइल्स बताऊँगा आपको जो कि आने वाले हैं इस सितंबर 2021 में। तो वही सारे मोबाइल्स होंगे आज इस वीडियो में। तो ये वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड है अपकमिंग मोबाइल्स फॉर सितंबर 2021। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पर पहली बार आए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। बाकी दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जियो फोन से, जियो फोन नेक्स्ट जो कि लॉन्च होने वाला है यार। जैसे कि आप सबको पता ही है, सितंबर में लॉन्च होने वाला है 10 सितंबर को, और टच स्क्रीन मोबाइल है जियो का। स्नैपड्रैगन 215 के प्रोसेसर के साथ आएगा, एंड्रॉयड 11 होगा इस फोन के अंदर। कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 5.5 HD प्लस हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये मोबाइल काफ़ी कमाल होने वाला है और प्राइस रहने वाला है 3,500 के आसपास। तो दोस्तों, एक मोबाइल यार ऐसा है जिसका लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था, जो कि है Asus 8Z। दोस्तों, फ्लिप नहीं, 8Z सिर्फ लॉन्च होने वाला है सितंबर के अंदर। तो सितंबर के अंदर आएगा यार ये फ़ोन, छोटा होने वाला है लेकिन काफ़ी धमाल फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। आप लोगों को पता ही होगा, यार नहीं पता तो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, उनमें स्पेसिफिकेशन इनकी मैंने बता रखी है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं यार अपने तीसरे मोबाइल की तरफ, जो कि है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो। तो ये भी मिड ऑफ सितंबर में मोबाइल लॉन्च होगा यार, जो इसका प्रोसेसर है हेलियो G95 के प्रोसेसर के साथ आएगा। मोबाइल इंडियन मोबाइल है, काफ़ी बढ़िया मोबाइल होने वाला है दोस्तों। तो ये मोबाइल भी लॉन्च होने वाला है सितंबर 2021। तो दोस्तों, अब बारी आ गई हमारे फोर्थ नंबर के मोबाइल की यार, जो कि है रेडमी 10 प्राइम। तो ये मोबाइल भी लॉन्च होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 3rd सितंबर लॉन्च हो जाएगा ये मोबाइल। इसमें हमें यार MTK हेलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का जो पीछे प्राइमरी लेंस कैमरा देखने को मिलेगा, क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ। 5000 mAh की हमें इसमें बैटरी मिल जाएगी, तो काफ़ी मज़ेदार मोबाइल होने वाला है रेडमी की तरफ से। तो ये मोबाइल भी सितंबर में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, ये मोबाइल यार iPhone 13 सीरीज़। तो दोस्तों, ये जो मोबाइल यार लोगों को काफ़ी इंतज़ार है इस मोबाइल का, मतलब आईफोन का अलग ही ट्रेंड चलता है यार। तो आईफोन 13 भी लॉन्च होने वाला है, तो इसके अंदर में 3-4 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आईफोन 13 हो गया, आईफोन 13 प्रो हो गया, आईफोन 13 प्रो मैक्स हो गया, आईफोन 13 मिनी हो गया। तो ऐसे यार मोबाइल्स आएंगे, तो ये भी देखने को हमें मिलेंगे। लोगों को काफ़ी वेट रहता है कि एप्पल क्या नया लेके आएगा, क्योंकि हर मोबाइल में कुछ एक अलग चीज़ होती है। तो देखते हैं इस मोबाइल में क्या अलग चीज़ है यार, इस मोबाइल का काफ़ी क्रेज़ रहता है। तो ये मोबाइल भी सितंबर में लॉन्च इवेंट होगा, जिसके अंदर इसका ग्लोबल अनाउंसमेंट होगी, और फिर कुछ टाइम बाद ये मोबाइल मार्केट में आ जाएगा। पहले यार इंडिया में आने में काफ़ी टाइम लगता था, 6-6 महीने लग जाते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी ही, जैसे ही अनाउंस होते हैं सितंबर में, उसके बाद काफ़ी जल्दी इंडिया में भी मोबाइल देखने को मिल जाता है। तो ये मोबाइल भी लॉन्च हो गया यार, तो देखते हैं सितंबर में दोस्तों। तो दोस्तों, अब 6th नंबर पे आता है हमारा Moto H20 Pro। तो ये भी काफ़ी बढ़िया मोबाइल है, और सितंबर मिड ऑफ सितंबर में लॉन्च होगा यार। हमें देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस कैमरा देखने को मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है, 4000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी। तो ये मोबाइल भी काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो ये मोबाइल भी मिड ऑफ द सितंबर तक दोस्तों लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारे 7th नंबर की मोबाइल की, जो कि है IQOO 8 सीरीज़। तो ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया दोस्तों, इसकी डिस्प्ले काफ़ी ही आउट ऑफ द बॉक्स आने वाली है, 2K+ HD डिस्प्ले आएगी, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। प्रोसेसर मिलेगा यार हमें स्नैपड्रैगन का 888+ प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और सितंबर एंड तक हमें ये मोबाइल देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले इसका मेजर फैक्टर है, तो देखते हैं दोस्तों जब ये मोबाइल लॉन्च होगा, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अलग होने वाला है। तो दोस्तों, अब सैमसंग भी मोबाइल निकालने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। तो दोस्तों, ये मोबाइल भी सितंबर 2021 में ही लॉन्च होगा, और काफ़ी बढ़िया मोबाइल होने वाला है ये भी यार, सैमसंग भी जरूर मोबाइल निकालेगा। तो देखते हैं, क्योंकि यार दिवाली है, सीज़न आ रहे हैं, तो इसलिए मोबाइल हर कंपनी ही निकालेगी। तो इस साल, इस महीने, मतलब जो अगला महीना सितंबर, इसमें बहुत सारे मोबाइल देखने को मिलेंगे, तो उसमें से हमें सैमसंग गैलेक्सी S21 FE भी देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, पता चल रहा है कि सैमसंग अपने 2 मोबाइल्स और निकाल सकता है, एक होगा सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का और एक होगा सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का। सैमसंग गैलेक्सी A52 एंड सैमसंग गैलेक्सी M52, तो ये 2 मोबाइल्स और इन एडिशन लॉन्च हो सकते हैं इस मोबाइल के साथ, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के साथ। दोस्तों, देखते हैं सैमसंग 3-3 मोबाइल्स लॉन्च करने वाला है सितंबर में, बाकी देखते हैं होते हैं कि नहीं होते।
तो दोस्तों ओप्पो भी लॉन्च करेगा यार, ओप्पो एफ सीरीज़ का एक मोबाइल लॉन्च करेगा सितंबर के अंदर, तो ये भी मिड ऑफ द सितंबर तक मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसके एक TWS यार वो भी लॉन्च होंगे इस मोबाइल के साथ, ओप्पो एफ सीरीज प्लस उसके TWS, तो ये दो चीज़ें भी ओप्पो की तरफ से आने वाली हैं सितंबर में। तो दोस्तों वीवो भी मिड ऑफ द सितंबर में अपना एक मोबाइल लॉन्च करने वाला है, जिसकी हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.5 इंचेस की 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ ही साथ हमें जेइस का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, और डायमेंसिटी 1200 का इसमें प्रोसेसर होने वाला है, जो कि मतलब काफ़ी बढ़िया और काफ़ी गजब होने वाला है। तो वीवो भी अपना एक काफ़ी शानदार वीवो X70 सीरीज़ का एक मोबाइल निकालने वाला है सितंबर, मिड ऑफ द सितंबर में ये मोबाइल भी दोस्तों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों रियलमी भी अपना मोबाइल लॉन्च करेगा यार सितंबर में, रियलमी 8i और रियलमी 8s, तो ये दो मोबाइल्स हैं जो रियलमी 8a में मतलब दो वेरिएंट्स हैं ये, तो एक ये मोबाइल भी लॉन्च कर सकता है, इसके अंदर दो वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे, रियलमी 8i एंड रियलमी 8s, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली मिड और एंड के बीच में कहीं ये मोबाइल लॉन्च हो सकता है रियलमी की तरफ से। दोस्तों एक मोबाइल और है यार गूगल का पिक्सल 6 सीरीज, तो ये मोबाइल भी दोस्तों सितंबर में लॉन्च हो सकता है। बात ये है कि ग्लोबली अनाउंस होगा मोबाइल, तो देखते हैं कि इंडिया में सितंबर में आता है कि नहीं आता, लेकिन एक गूगल का इवेंट होने वाला है सितंबर में, जिसमें कि गूगल अपना पिक्सल 6 ये मोबाइल लॉन्च कर देगा यार। ये जो मोबाइल है काफ़ी बढ़िया होने वाला है, इसकी लुक इतनी इन्होंने यूनिक निकाली है, इसकी कलर कॉम्बिनेशन इतनी यूनिक निकाली है, इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी यूनिक है, तो यार ये मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है और काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और देखते हैं इस मोबाइल के बारे में यार क्या लॉन्च होता है, ग्लोबली लॉन्च होगा तो इंडिया में कब तक आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि अब मोबाइल्स इंडिया में भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है जहां मोबाइल बिकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, होपफुली क्रॉस फिंगर्स सितंबर में मोबाइल हमें इंडिया में देखने को मिल जाए, बाकी ग्लोबली लॉन्च तो इस मोबाइल की पक्का है, गूगल पिक्सल 6 सीरीज। तो दोस्तों इस सितंबर में MI का भी एक मोबाइल लॉन्च होगा, MI 11T, तो 15 सितंबर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये 15 सितंबर को मोबाइल लॉन्च हो जाए MI की तरफ से, इसमें हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, तो काफ़ी बड़े मोबाइल होने वाले दोस्तों, ये भी 15 सितंबर मतलब मिड ऑफ द सितंबर ही हो गया तो ये उसमें लॉन्च होगा, तो यार MI की तरफ से शानदार मोबाइल 11T हमें ये भी देखने को मिलेगा इंडिया में सितंबर में। तो दोस्तों यही थी यार आज की वीडियो, टॉप 10 प्लस बेस्ट अपकमिंग मोबाइल्स इन सितंबर 2021। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको लगभग आई थिंक 13-14 मोबाइल्स आपको बताए हैं जो कि आने वाले हैं सितंबर में यार, और जो कि इनमें से काफ़ी मोबाइल्स का तो लोगों को काफ़ी वेट रहता है। करीबन अगर देखा जाए हर मोबाइल मतलब हर मोबाइल ब्रांड कोई ना कोई अपना मोबाइल सितंबर में लॉन्च कर रहा है, तो ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि यार ये जो सितंबर अक्टूबर का सीज़न है इसमें काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं, तो सेल्स भी लगते हैं मोबाइल्स पे, और ये जो 2-3 महीने यार सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब ये जो लास्ट का होता है ना थोड़ा सा साल का, इसमें काफ़ी मोबाइल्स लॉन्च होते हैं। एक तो फेस्टिवल्स बहुत आते हैं, ग्लोबली फेस्टिवल्स बहुत हैं, इंडिया में भी फेस्टिवल्स हैं और बाहर की कंट्रीज में भी ग्लोबली बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, तो इस कारण ज़्यादा मोबाइल्स लॉन्च होते हैं ग्लोबली। तो 2-3 मोबाइल्स ही थे वैसे इसमें से, लेकिन जो बाकी के मोबाइल्स हैं इंडिया में लॉन्च होंगे, तो क्योंकि इंडिया में आपको पता है फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो सेल बहुत ज़्यादा होती है मोबाइल्स की, तो यही मेन रीज़न है कि इस टाइम मोबाइल्स ज़्यादा लॉन्च होते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे यार, जितने मैंने आपको बताया मतलब कोई ना हर एक ब्रांड, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड बचाओ, आई थिंक सारे ब्रांड्स हैं जो अपना कोई ना कोई एक मोबाइल लॉन्च जरूर कर रहे हैं। तो यार जितनी भी थी रिसर्च करके आपको बता दिया गया कि कौन कौन से मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं, तो देखते हैं दोस्तों इनमें से कितने लॉन्च होते हैं, आई होप कि सारे ही लॉन्च होंगे। बाकी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर मेरे को बताना, पूरी कोशिश करूंगा अगर वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट है वो कर दी जाए, या अगर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द वीडियो ले आऊं। बाकी दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।